या तंत्र के बारे में बोलने से पहले मैं आप सब लोगों की इस धारणा को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तंत्र जीवन की श्रेष्ठतम विधा और उपाय प्रकार है। तंत्र से भय खाने की जरूरत नहीं है। जो तंत्र से भय खाता है वो मनुष्य है ही नहीं, वो साधक नहीं बन सकता। साधक बनने की पहली शर्त यही है कि वह अपने आप में तंत्र को जानने की क्रिया करता हो, तंत्र जानता हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान जीवन में तंत्र की उपयोगिता है या तंत्र का मतलब क्या है? जब हम मंत्र के माध्यम से किसी देवता को अनुकूल बना सकते हैं, जब साधना के माध्यम से किसी देवता को अपने अनुकूल बना करके मनोवांछित कार्य संपन्न कर सकते हैं, तो फिर तंत्र की कहां जरूरत पड़ जाती है? फिर तंत्र हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? यह प्रश्न अपनी जगह सही है, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो विधाएं हैं, एक मंत्र शास्त्र, एक तंत्र शास्त्र। मंत्र के माध्यम से भी हम शिव साधना या काली साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं, और तंत्र के माध्यम से भी हम काली साधना या शिव साधना या लक्ष्मी साधना संपन्न कर सकते हैं। मगर दोनों का प्रकार अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। और यह जो प्रकार अलग होने की जो क्रिया है, अलग तरह की जो सिस्टम है, अलग तरह का जो चिंतन है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या आज के युग में तंत्र अनिवार्य है, आवश्यक है, उपयोगिता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं। यदि मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है, मगर मेरे सामने एक करोड़पति व्यक्ति खड़ा है जिनके लिए 5 रुपयों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उसके लिए 5 रुपए ठीक एक मामूली कंकर पत्थर की तरह है। करोड़पति के सामने 5 रुपए का मूल्य नहीं है, मगर मेरे लिए तो 5 रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जेब में तो 5 पैसे भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है, और मैं भूख से व्याकुल हूं, परेशान हूं। अब उस व्यक्ति से मुझे 5 रुपए अगर प्राप्त करने हैं तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं कि सेठ जी, आप बहुत उच्च कोटि के हैं, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आप कर्ण के अवतार हैं, आप दयावान हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं भूखा हूं, मैं दरिद्री हूं, मुझे खाने की रोटियां नहीं है, मैं 3 दिन से कुछ खा नहीं सका हूं, और आप कृपा करके मुझ पर रहम करें और मुझे 5 रुपए दे दें। मगर ये जरूरी नहीं है कि मेरी बात पर वो फंसी जाए, ये जरूरी नहीं है कि मैं विगलित कंठ से ये कहूं और वो मुझे 5 रुपए दे दे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं, रिक्वेस्ट करूं और सेठ जी अपनी जेब से 5 रुपए निकाल करके मुझे प्रदान कर दें। तब दूसरा तरीका ये है कि मैं आसपास देखूं और यदि कोई दिखाई नहीं देता है तो सेठ जी का कॉलर गले का पकड़ लेता हूं और पकड़ करके झकझोरता हूं और झकझोर के आंख निकाल करके तरेत करके और एक झटका देकर कहता हूं कि या तो मुझे आप 5 रुपए दें या तो चाकू आपके सीने के पार हो जाएगा, तो सेठ जी निश्चित रूप से अपनी जेब से 5 रुपए निकाल के मुझे दे देंगे। ये दूसरा तरीका तंत्र है और यह पहला तरीका मंत्र है। बस ये मूल रूप से अंतर है। मंत्र का तात्पर्य है देवताओं की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, निवेदन करना, भोग लगाना, आरती करना, धूप अगरबत्ती करना। मगर दूसरे तरीके से यदि हमें हिम्मत है, हौसला है, ताकत है, साहस है, क्षमता है, और यदि आप साधक हैं और आपके पास समर्थ गुरु है, तो आपके पास हौसला है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास साहस है, ऐसा हो ही सकता कि आपके पास नहीं है, मगर उस क्षमता के साथ उस लक्ष्मी के आंख में आंख डाल के आप खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं भी तंत्र साधना के लोग संपन्न कर रहा हूं, मैं तुम्हें आबद्ध कर रहा हूं और तुम्हें हर हालत में मुझे संपन्नता देनी है, मुझे धन देना है, मुझे वैभव देना ही है और देना ही पड़ेगा। यह जो एक चिंगारी है, यह जो एक आग है, यह जो कहने का प्रकार है, यह जो कहने का तरीका है, उससे निश्चय ही उन देवताओं को धन प्रदान करना ही पड़ता है, या जिस उद्देश्य के लिए हम साधना संपन्न करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए इस देवता की प्रार्थना करते हैं, उस देवता को वह कार्य संपन्न करना